थ्रिप्स एक ऐसी समस्या है जो हमारी प्याज की फसल को कई गुना तक प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वर्ष हमारी प्याज की फसल पर थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक रहा था, जिससे उत्पादन काफ़ी हमारा गिर चुका था। और इस वर्ष भी यही समस्या देखने को मिल रही है कि प्याज की बुआई होने के पश्चात थ्रिप्स का अटैक स्टार्ट हो चुका है, जिससे आपको क्या दिखता है कि हमारे प्याज ऐसे बाकी चुके हो रहे हैं, टेढ़े बाकी तिरछे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और उनमें एकदम फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो ये समस्या वही है कि थ्रिप्स का अटैक प्याज पे हो रहा है और जो माइट्स है कुछ हद तक वो भी वहाँ पर है, जिससे क्या होती है कि हमारे पौधे का जो पत्ती होती है उसे खुरदुरी कर देती है और उसका रस चूसने लग जाती है, जिससे इसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है और वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे खाना बनाना उनका कम हो जाता है और फिर क्या होगा कि प्याज में हमारा पीलापन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, मेरा यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य आ जाता है कि प्याज की फसल में थ्रिप्स के अटैक को समय से ही हमें बचा के रखना है। कितनी मात्रा में हमारी प्याज की फसल पर थ्रिप्स है तो हमें दवाई का स्प्रे कर देना है या कीटनाशक का स्प्रे कर लेना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसान भाइयों, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि प्याज को आपको कुछ हद तक यहाँ पर ऐसा खोल के देखना है बीच वाले हिस्से को, और यदि आपके प्याज में इस हिस्से पर 2, 3 या 4 थ्रिप्स दिख रही है तो हमें प्याज में स्प्रे कर देना है। इंतजार नहीं करना है कि इस थ्रिप्स की मात्रा काफी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी ही समस्या बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, मैंने आपको थ्रिप्स बता दी और क्या समस्या आ सकती है ये बताया है, तो अब यहाँ पर डोज क्या लेना है हमें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला डोज आ जाता है प्रोफिनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन। मार्केट में बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है इस प्रोडक्ट, इस केमिकल फार्मूले को लेकर। मैं आपको बेस्ट बताना चाहूँगा, आप पीआर इंडस्ट्री की रॉकेट ले सकते हैं या फिर सिजेंटा कंपनी की पोलिट्रिन ले सकते हैं, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके डोज की मैं आपसे बात करूंगा तो प्रति 25 लीटर पंप में इसको 60 ml से 65 ml तक हमें इसमें लेना है। और किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए कि प्याज की फसल है और थ्रिप्स बताया मैंने आपको कहाँ पर लगती है, प्याज का जो शुरुआती हिस्सा होता है नए पत्ते का वहाँ पर लगती है। हम सोचेंगे 2 पंप डाल दे पूरे खेत में, मतलब 1 बीघा का 50 लीटर पानी डाल दे तो काम नहीं होगा, हमें पूरे पौधे को एक तरह से निलाना है। डोज हमें दवा का कम रखना है और यहाँ पर पानी ज़्यादा रखना है। प्रति बीघा 100 लीटर पानी या एकड़ की बात करूं तो प्रति एकड़ 180 लीटर पानी होना आवश्यक है। तो आपको जो दवाई आप हल्की से हल्की दवाई डाल रहे हैं उसका भी रिजल्ट आपको भारी से भारी देखने को मिलेगा और थ्रिप्स पूर्ण रूप से खत्म होगी। एक तो मैंने आपको कीटनाशक के रूप में बता दिया है प्रोफिनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन, मतलब सिजेंटा कंपनी का लेना है। अगला सेकंड डोज यहाँ पर कीटनाशक का आ जाता है लैंसर गोल्ड, जिसमें इमिडा आता है प्लस एसीपेट आता है। इसका डोज लेना है प्रति 25 लीटर पंप में 30 ग्राम से ले जाके 35 ग्राम तक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन थ्रिप्स को 100% तो नहीं बोलूंगा मैं आपको, 80% तक तो पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। किसान भाई, मैंने आपको जो कीटनाशक बताया ये 50 दिन की फसल से पहले पहले यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और किसान मित्रों, आपकी फसल शुरुआत है मतलब 20-25 दिन की हुई है तो वहाँ पर ये अकेला जो मैंने आपको बताया है सिजेंटे का पोलिट्रीन, वो अकेला ही काम कर देगा, थ्रिप्स को ख़त्म कर देगा यदि पहला या दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तो। और यदि थ्रिप्स की मात्रा कुछ ज़्यादा हो रही है तो आप इन दोनों के साथ में 3000 ppm में नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे थ्रिप्स में भी बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है। वहीं आपसे मैं फंगीसाइड की बात करूं तो आप रोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कीटनाशक के साथ में, जिसमें थायोपिड मिथाइल आता है। यदि आप वो नहीं ले रहे तो इंट्राकोल ले सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इन दोनों का डोज करीब करीब एक प्रकार ही है, 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमें देना है हमें इसे। यदि ये दोनों आप नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर आप साफ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फंगीसाइड। अब टॉनिक की बात करूँ इसी समय में, तो किसान मित्रों मेरा कहने का मतलब है कि 60 दिन से पहले पहले हमें हाइट पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हाइट हमारे प्याज की बढ़ती रहना चाहिए। तो जो भी हाइट मतलब वृद्धि करने वाले टॉनिक है उनका इस्तेमाल करते रहिए, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। और साथ में कलर बनाए रखने के लिए मतलब कि हरापन बनाए रखने के लिए आप अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी कंपनी का जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पे मैं आपसे अगर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूँ तो एरिस कंपनी का आप माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेंगे तो पोषक तत्व जो छोटे छोटे आते हैं वो जितने ज़्यादा मिलेंगे पौधे में उतना ही हरापन बना रहेगा। और किसान मित्रों, सिलिकॉन बेस्ड चिपकू का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज के पत्ते हैं बिल्कुल
चिकने आते हैं, मतलब कि इस पर दवाई आसानी से टिकती नहीं है, तो चिपकू का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके दवाई को इसमें चिपकाएगा और साथ में पूर्ण रूप से उसे फैला देगा और रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अब किसान मित्र, एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ अंत में पूरा लिखा हुआ डोज, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सारे डोज कंप्लीट है जो आप 50 से 60 दिन के पहले पहले आपके प्याज में दे सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और किसान मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।